सबसे पहले तो आपने अपना 11th 12th कॉमर्स स्ट्रीम से किया, विद मैथ्स रहा आपका? Yes, नहीं, विद मैथ्स तो कैसा रहा 11th का स्कोर, कैसा कॉमर्स में पढ़ने का एक्सपीरियंस था अकाउंटेंसी का स्टार्टिंग से, 12th में कैसा रहा और 12th के बोर्ड एग्जाम में क्या आपका परफॉर्मेंस रहा? सर एक्चुअली 11th में आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मैथ्स, तो मैंने कॉमर्स लिया था बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड टू गो इन टू द लाइन ऑफ बिजनेस एंड सी वॉट हैपन्स एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स देयर. तो मैंने कॉमर्स लिया एंड व्हेन आई वाज स्टडिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता था. 12th का तो सर हमारा कोविड बैच था. अच्छा, तो हाँ, सबको ही हंसी आ जाती है, हमको खुद आती है अभी भी. तो वो तो एक पूरी जून तक भी नहीं था क्लियर कि बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं सर, नहीं होने वाले. उसके तो पूरी एक जर्नी ही रोलर कोस्टर थी सर, क्योंकि ऑनलाइन बैच हुआ हमारा तो हमको अब स्टार्टिंग कितनी बार तो ये नहीं पता था कि होंगे बोर्ड्स नहीं होंगे बोर्ड्स. देन इन हमको अप्रैल में एक और बॉम्ब फोड़ा कि नो कैंसिल ही हो गए हैं. हाँ. आपको एंड में बताएंगे. सो दैट वाज अ रियली टफ टाइम. तो हमको सिंस हमको अब एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे, क्योंकि अब हमको कट ऑफ का कुछ आइडिया ही नहीं था कि कितनी स्काई रॉकेट जाएंगी, तो मैंने एंट्रेंस पे फोकस जाना स्टार्ट करा. दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ आई पी मैट, विच वॉज इशू विद मी बिकॉज मैं मेरी इग्नोरेंस थी वो. तो मैंने अपना आई एम अपना एंट्रेंसेस के लिए स्टार्ट किया फॉर डी यू जैट, तो आई पी एम, तो जिसके अंदर 5 ईयर प्रोग्राम था, 3 ईयर बी पी ए प्लस 2 ईयर एम बी ए. इन आई एम इंदौर इट्स 3 ईयर बी ए प्लस 2 ईयर एम बी ए. तो इट्स लाइक इट्स अ ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम. सो आई वॉज रियली मेस्मराइज कि यार ये कितना बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज आई एम इज़ अ ड्रीम कॉलेज फॉर एनी मैनेजमेंट एस्पिरेंट. तो आई वॉज रियली मेस्मराइज विद दैट कि अच्छा ऐसी अपॉर्चुनिटी डज एग्जिस्ट. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट. नाउ इन सच अ शॉर्ट टाइम जितने भी मैं एफर्ट्स डाल पाया राइट आफ्टर बोर्ड्स मैंने ट्राई करा, आई बी ऑनेस्ट, बट मे बी देर वॉज सम लैक, देर वॉज सम थोड़ी कमी रह गई. तो कट ऑफ आई हमारी 265 एंड आई स्कोर 263. ओके, सो आप देख सकते हैं कि 2 मार्क्स कट ऑफ में कम थे, यानी 265 से कट ऑफ रहा और 263 रहा, तो बहुत ही 2 मार्क्स का मार्जिन, वो भी आईएम रोहतक के लिए. बिल्कुल, तो उस टाइम तो बहुत ही झटका लगा होगा. उस टाइम ऑब्वियसली आई वाज रियली शटर्ड बिकॉज आईएम रोहतक, सिंस आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से आईएम रोहतक ऐसा सा पास ही है, तो दिल्ली में ही है. सो आई वाज थिंकिंग कि रोहतक में आई हैड अ चांस. इंदौर का आई बाय द टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग आई फेल्ट कि यार लेट्स गिव इट माई बेस्ट, अभी रिजल्ट का ना सोचो बट लेट्स नॉट कीप सम होप्स फ्रॉम योर. आई एम रोहतक के अंदर उस टाइम पे मुझे होप्स थी. तो एंड बट एज द रिजल्ट स्पीक्स, तो मेरा उस टाइम पे नहीं हो पाया रोहतक में, इसके तब रिजल्ट भी नहीं आए थे. देन केम द 12th रिजल्ट, उसमें मेरे आए 97.5%. देन कट ऑफ आनी शुरू हुई, वो 199.75 वो कट ऑफ और थोड़ा आपको किल करें कि अभी इसमें भी नहीं हुआ, इस लिस्ट में भी आपको अपना चॉइस का कॉलेज नहीं मिला. तो आई डिसाइडेड कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर आई गेट अ कॉलेज इन डी यू और नॉट, आई विल ट्राई टू गिव अनदर चांस एट आई एम रोहतक एट आई एम पर से. सो यू डिसाइडेड टू ड्रॉप 1 ईयर कि इसके बाद कर भी सकता हूं, बट आई वाज टू स्केयर्ड टू से कि मैं फुल ड्रॉप लूं बिकॉज दैट वाज टू बिग अ रिस्क फॉर मी. बिकॉज अगर आपका नेक्स्ट ईयर भी कोई गारंटी तो है नहीं एंड आपको सेफ रहना मेरे को बेटर लगा. सो आई वॉज लाइक कि कौन सा कॉलेज मुझे होता है आई विल टेक इट. आई विल कौन सा कॉलेज आपका शॉर्टलिस्ट होके आया उसके बाद? उसके सर मेरा पहले हो गया था खालसा में, तो नॉर्थ कैंपस में. तो आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट मैं कैसे तैसे नॉर्थ कैंपस तो पहुंच ही गया. तो खालसा आई डिन, देन नेक्स्ट लास्ट कट ऑफ में मेरा गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स डी यू मेरा हो गया था. सो बढ़िया कॉलेज, बहुत ही अच्छा. यस, आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो उसके अंदर अब मैं बी कॉम ऑनर्स मैंने अपना एडमिशन करा लिया. आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि चलो यहाँ पे मैं अपना एक मेरा एटलीस्ट एक सेकेंड बैकअप ऑप्शन मेरा रेडी है. ये अगर नेक्स्ट ईयर मेरा नहीं भी होता आई पी मैट, इट्स ओके. मेरा आई पी मैट देने का नेक्स्ट ईयर का सिर्फ एक मेरा रीजन था, क्योंकि इस फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन में मैं अपना मेरे को लगा मैंने शायद अपना 100% नहीं दिया जितना मैं कैपेबल था ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टेंसेस. मुझे लगता है कहीं ना कहीं टाइम भी कम मिला आप लोगों को, क्योंकि पूरा फोकस पहले सीबीएसई पे था, एग्जाम हो रहे नहीं हो रहे, तो शायद yes, वो इंटरेस्ट के लिए उतना नहीं अच्छे से. आई से सर टाइम तो उतना ही मिला सबको, बट प्रेफरेंस हमारी बोर्ड्स पहले थी, मेरी पर से बोर्ड्स पहले थी. ऑब्वियसली कुछ बच्चे थे जिन्होंने आई पी मैट पहले से सोच के रखा था एंड दे मेड इट टू देयर. तो इट वॉज ऑल अबाउट कि आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, आप किसको ज़्यादा अपने ऊपर प्रायोरिटी दोगे. तो आई वॉज लाइक कि मैं एक नेक्स्ट ईयर एक और पार्शियल ड्रॉप लेकर मैं एक और ट्राई दूंगा रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन देने के लिए कि यस यू गिव इन योर बेस्ट. तो व्हेन आई वाज मैंने ज़्यादा किसी को ये बताया नहीं था कि इट वाज
सेक पार्शियल ड्रॉप आई वॉज डूइंग दिस, क्योंकि काफ़ी लोग का ये कहना था कि दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी। आई नो, क्योंकि कॉमर्स में हमने बहुत पहली बार था कि ये पार्शियल ड्रॉप, साइंस में तो हम लोग सुनते हैं जेई के बच्चे होते हैं या नीट के, कॉमर्स के अंदर ये डिसीजन लेना बहुत टफ था। एंड सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं ड्रॉप ले रहा था ना तब मुझे नहीं लगता था कि ये मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहा हूँ। okay. ये तो आफ्टर व्हेन आई डिस्क्लोज टू पीपल दे वर लाइक ओ माय गॉड तू सेकंड ड्रॉप तुमने ड्रॉप लिया है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो है ये है, बट मुझे नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे को था कि मैं एक और अटेम्प्ट तो दे रहा हूँ। तो मुझे बहुतों ने बोला कि दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक द मोस्ट ऑफ इट, बट आई वाज लाइक सर लास्ट अपॉर्चुनिटी अगर माननी थी वो तो मेरी पहले निकल चुकी है, दिस आई विल से दिस इज माय बोनस अपॉर्चुनिटी, दिस इज माय एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी। आई स्टिल रिमेंबर कि उस डिसीजन से पहले यू कॉल्ड मी एंड बोला सर मैं सही तो कर रहा हूं ना, कि मैं सोच रहा हूं, प्लान कर रहा हूं, शुड आई डू, तो मैंने ये कहा था कि यस, जो अंदर की आवाज आई उसको सुनो, अब किसी और से मत पूछो, अंदर की आवाज सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ड्रॉप लेके करूंगा, एंड यू सेड सर मैं डेफिनेटली करूंगा क्योंकि अगर दो नंबर मेरा शॉट है और अगर मैं उससे डबल मेहनत करूंगा तो डेफिनेटली मुझे चांस होगा। बिकॉज मेजर रीजन बिहाइंड ड्रॉप बिकॉज आई वॉज लाइक कि अगर मेरे सपोज 20-30 नंबर्स का डिफरेंस होता तो मुझे लगता कि मे बी नहीं वो उतना मैंने नहीं कर पा रहा, मैं नहीं हो पा रहा, तो देयर वाज नो रीजन। वो 2 marks मुझे इतना पिंच कराना कि आई वाज लाइक यार मैंने इतने कम एफर्ट्स में, इतने कम एफर्ट्स नहीं बट इतने कम टाइम में तो इतना मैं पहुंच पाया, तो अगर मैं एक पूरा साल लगाऊंगा तो कम से कम पेपर तो क्लियर कर जाऊंगा, इंटरव्यू तक तो पहुंचूंगा। मैं यही कहूंगा युवराज की अगर जूनियर्स आपके देख रहे हैं तो अगर मैं चाहूंगा इस एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ सीख सकते हैं कि अगर आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, मनचाहा स्कोर नहीं मिला, तो उस फेलियर में भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ी लर्निंग है, जैसा युवराज आप बता रहे थे कि अगर आप फेल करते हैं तो कम से कम उस जर्नी में आप सीखते हैं। बिल्कुल, तो शायद आपने उससे बहुत कुछ सीखा कि अब मुझे क्या तैयारी अलग ढंग से करनी है जो उस टाइम पे पहली बार मैंने बिल्कुल सर, तो मैं, उसमें कोई पॉजिटिव नहीं चाहिए। एग्जाम एग्जैक्टली सर, तो जो वो पेपर्स जब हो गए आपके तो आपने देखा तो निराश तो चलो बहुत ज़्यादा हुआ, बट अल्टीमेटली यू हैव टू एक्सेप्ट योर फेलियर। आपको उसको फेलियर बहुत बड़ा टर्म बोल देता हूँ, उसको एज अ लर्निंग ही लेकर चलो कि आप उसको एक्सपीरियंस बोलता हूँ, एक्सपीरियंस लेकर चलो, लर्निंग एक्सपीरियंस कि चलो ठीक है सम थिंग्स बैड डेज होते हैं आपके, आप ऐसे ही सीखते हो, आपको लगता है बड़ा खिलाड़ी जीरो पे आउट होता है किसी मैच में, चाहे वो सचिन रहा हो, धोनी, विराट, तो उससे भी हम सीखते हैं कि वो कौन सा ऐसा शॉट है जो मैंने गलत खेला, अगली बार नहीं खेलना अगले मैच में। यस सर, तो मैंने ये था कि चलो अब मैंने नेक्स्ट ईयर ट्राई करना है, नाउ आई नो कि मुझे क्या चीजें करनी है एज वेल एज क्या चीजें नहीं करनी है, तो मैं अब उस सब के साथ मैंने साकर एंड ऑल दिस वाइल मैं बहुत अपना सीक्रेट रखे जिसके अंदर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, माय सिस्टर, उन्होंने लाइक बहुत सपोर्टिव रहे, बहुत सपोर्ट, वो सबसे मेजर फैक्टर था। आई इफ यू सर इफ यू आस्क मी आई नेवर टेक द क्रेडिट कि मैं पार्शियल ड्रॉप के बाद मैं कर पाया, ऑल माई क्रेडिट goes to my family and my teachers. Beautiful. Because उनका ही contribution था, क्योंकि they were the ones guiding me, they were the ones handling me. तो मुझे पता उनके लिए कितना tough था, and for them ये इतनी बड़ी डील नहीं थी कि ठीक है तुम्हारा नहीं पेपर क्लियर हुआ, मे बी इट्स अ बिग डील फॉर यू, बट ये चीज़ को देखे तो यू हैव, इट्स लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, मूव ऑन। तो सेकेंड लर्निंग तो यही कहूँगा जो अभी इंट्रैक्शन हो रही है युवराज के साथ, की इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स इन योर लाइफ, कि आपके मम्मी पापा, ब्रदर, सिस्टर, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड दे आर द अनसंग हीरोज और हीरोइंस इन द जर्नी ऑफ सक्सेस। क्योंकि टीचर्स के बाद, पहले टीचर्स की बात करते हैं, उसके बाद अगर बात करें तो रियल जो मेहनत है वो है पेरेंट्स की, और वो युवराज के केस में बिल्कुल हाँ, बिकॉज मम्मी वॉज अ बिग सपोर्ट, पापा भी आपको मोरल सपोर्ट देते थे, गाइड करते थे डेली बेसिस पे, मोटिवेट करते थे, आपकी एल्डर सिस्टर भी, तो ये सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि आज जो युवराज आयन में है। तो इसी कन्वर्सेशन का पर्पज यही है कि आप तक मैं वो चीजें पहुंचाऊं, क्योंकि इट्स नॉट अ समथिंग लाइक अ प्रमोशनल वीडियो, समथिंग लाइक आई वांट टू शेयर द हार्ट, द फीलिंग्स ऑफ एन आयन पर्सन, कि वो ऐसे ही नहीं बना, दिन रात की मेहनत, कितने रातों की सेक्रीफाइस, और वहां सिलेक्शन होने के बाद भी जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ युवराज के साथ, कि जितना टफ आयन तक पहुंचना है उससे ज्यादा कहीं टफ आयन की जर्नी है। एक साल हो गया युवराज को और ऑलमोस्ट इसने काफ़ी सारे पेपर्स दिए, काफ़ी सारे असाइनमेंट्स, काफ़ी सारे क्लब्स में इसके इंटरव्यूज हुए, और पता लगा कि वहाँ पर ये हार्डली 2-3, 4-4 घंटे सोते हैं अभी भी, यानी अभी भी इनका जो जो कहते हैं ना जो संघर्ष है वो जारी है, यानी आपको एक सीट मिलना काफ़ी नहीं है, उसको प्रूव करना अपनी वर्थ को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो युवराज जब आपने एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शन हो गया और वहाँ से लेके आई एम जाना रोहतक, और दिल्ली से तो पास है, बट वहाँ का कैसा वर्क कल्चर है, एनवायरनमेंट कैसा है, स्टडीज़ का, एकेडमिक्स का, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, किस बैकग्राउंड के आते हैं, और 200 सीटें होती हैं लगभग,
तो क्या सभी बच्चे उस प्रेशर को, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाते हैं, झेल पाते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कई लोग उस चीज़ को, उतनी मेहनत को नहीं झेल पाते या उसको सस्टेन कर पाते? ऐसा रहा, फील हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका आई एम पहुँचने के बाद? सर, जब आई एम का पेपर्स देने थे, पहली बार तो जब मैं वो पार्शियल ड्रॉप के टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, माई एक्सपीरियंस, माई एटीट्यूड वॉज कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है एंड अपने ऊपर एक फेथ रख के चलना है. तो दो चीज़ें डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बहुत बहुत जरूरी है. तो इस चीज़ के अंदर मुझे मुझे इसको एज अ प्रेशर लेकर नहीं चलना था, दैट आई वॉज वेरी क्लियर. एंड ये मुझसे ज़्यादा मेरे फैमिली ज़्यादा इस चीज़ को बोलती थी कि ठीक है, यू आर ट्राइंग इट योर बेस्ट, लेकिन एक किसी मोमेंट पे तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना. वो ऑब्वियसली तब आ जाता है आप पे जब आप किसी चीज़ को, अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो तो, बहुत ज़्यादा मेहनत अपना पुट इन कर रहे होते हो, तो वो प्रेशर आप पे खुद अपना ही एक एम्बिशन आप पे डालता रहता है. बट यू हैव टू हैंडल दैट, यू हैव टू मेक श्योर कि चलो ठीक है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. जो भी रिजल्ट होगा दैट वुड बी एन एक्सपीरियंस फॉर यू. तो अल्टीमेटली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो मैं उसके अंदर 6-7 hours, एंड वो तो चलो प्रिपरेशन एक पूरी जर्नी है, आई डोंट वॉन्ट टू लाइक बोस्ट ऑन दैट बिकॉज दैट वन हैज़ टू गो थ्रू इट. सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर एनी स्टूडेंट फॉर डूइंग दैट. बट अगर आप अपने आप को ही एक कॉन्फिडेंस देते रहोगे कि कोई माने ना माने, दो स्कोर्स विल नॉट स्पीक फॉर मी, माई दिस जर्नी विल स्पीक फॉर माई सेल्फ. इवन इफ अगर मेरा वहाँ पे, मैं कहता हूँ 2-6 मेरा लास्ट टाइम 2 marks से कट ऑफ छूटी, अगर मेरे इस टाइम 2 marks से ज़्यादा से भी कट ऑफ छूटती, आई वुड हैव बीन सैटिस्फाइड कि चलो मैंने एक एफर्ट मारकर देख लिया, मैंने गिव अप नहीं करा. आई रिमेंबर दिस लाइन ऑफ योर्स जो आपने एक साल पहले कहा था कि सर आई विल गिव माई बेस्ट, उसके बाद अगर गैप ज्यादा भी आया तो कोई नहीं, बट मुझे खुशी होगी मैंने अपना बेस्ट दे दिया. बिल्कुल आई स्टिल रिमेंबर. एंड सर, मैं ऑनेस्टली उस टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, आई वाज रियली अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज मैं अभी सिर्फ एक फेलियर को डील करके निकला हूँ. बहुत सॉफ्ट होता है एक फेलियर से निकल के आना. अंडर कॉन्फिडेंस तो मुझमें बहुत भरा था, तो मुझे मैंने किसी मोमेंट पे ये नहीं सोचा कि यहाँ तो चांस है मेरा, यहाँ चांस है मेरे 10th में इतने, 12th में इतने, वो सब देखूंगा मैं आफ्टर आई गेट अ कॉल, तब मैं ये चीज़ को कंसिडर करूंगा. तब तक मैं आई एम जस्ट एन एमेटोर, आई एम जस्ट ट्राइंग इट अगेन. तो वो प्रेपरेशन के टाइम पे मैं करता रहा, एंड व्हेन द पेपर्स केम आई वाज लाइक कि चलो अब लास्ट डे हो गया हमारा पेपर का, अगले दिन हमारा पेपर था. सो आई वेरी वेल रिमेंबर हमको ये गाइडेंस थी कि यू डोंट हैव टू टेक एनी वर्किंग, कोई रिविजन आपने लास्ट डे पे नहीं करनी है. आपने जितना पढ़ना था आपने सेकेंड लास्ट डे तक पढ़ लिया. लास्ट डे आई स्टिल रिमेंबर मैं कुछ नहीं पढ़ा था. अच्छा. मैंने, मेरा कल पेपर है एंड मैंने एक बुक उठा कर नहीं देखी. मैं अपने उस रूम को मैंने बंद कर दिया, मैं उस रूम में नहीं घुसूंगा जहाँ पे मैं पढ़ता था. बड़ी लर्निंग है, देख रहे हैं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी, आप कॉन्फिडेंट है, तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना लास्ट डे तक रिविजन छोड़ना, लास्ट डे तक पढ़ना, लास्ट डे तक क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती है, अनड्यू प्रेशर डालती है आपके ऊपर. तो वो युवा एक दिन पहले बिल्कुल बंद, बिकॉज उस टाइम पे सर मैं, मुझे नहीं पता ये बहुत अच्छी चीज़ है करने को या नहीं है, बट इट वर्कड फॉर मी, सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग. बिकॉज मेरे को अभी, मैं अब अगर कॉन्ट्रास्ट शो करूँ ना सर, एक फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले का लास्ट डे और सेकेंड अटैम्प्ट का लास्ट का लास्ट डे, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं हर बुक को ये पढ़ना, ये रह गया मेरा, वो रह गया, ये चैप्टर रह गया, वो चैप्टर रह गया, इसको कम्प्लीट कर, थोड़ा और देख लेता हूँ, ये थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, पास्ट ईयर पेपर्स कर लेता हूँ. लास्ट डे पे सब बंद, बुक्स बंद, ऐसे था कि मेरा पेपर हो गया. मैं तो उस एटीट्यूड से तो था. यहाँ पे नॉर्मली जब हम किसी ऐसे बच्चों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो ये वो कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया, इन्होंने, बट इन्होंने बोला कि मैंने अपने आप में अंतर देखा, फर्क देखा. जो युवराज पहले अटेम्प्ट का लास्ट है, वहाँ पागलों की तरह सारी किताबें दोबारा से एंड में पढ़ रहे हैं, वो चीजें जो पूरे साल पढ़ी है. और दूसरा युवराज उसने कहा कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था, एक दिन पहले ही मेरा सब कुछ करके अपनी तरफ से मैंने अच्छा कर लिया, और फिर उसको लास्ट डे पैनिक मोड में नहीं आया. और यही शायद मुझे लग रहा है कि की फैक्टर रहा होगा कि आप कूल माइंड से. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. सर इसका मेन रीजन तो कॉन्फिडेंस तो दूर दूर तक नहीं था. अच्छा. इसका मेन रीजन था कि अब तूने जितना करना था वो कर लिया है, अब तू कुछ भी खोलेगा जो तेरे को आता होगा तो उसमें भी डाउट करेगा कि ये सही आता है कि गलत आता है, इसमें थोड़ा और अच्छा कर लूं, जो नहीं आता वो तेरे को बहुत बड़ा लगेगा. तो कंसिडर कर कि जितना कर सकता था, पूरे साल की मेहनत है, तूने बेफालतू का टाइम वेस्ट नहीं करा है. एंड मुझे पता था कि सर, मुझे अपने ऊपर इस चीज़ का तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अगर मुझसे कोई प्रिपरेशन के बारे में पूछेगा तो मैं एक डे भी आपको नहीं बता सकता कि जब मैंने नहीं अपना पूल डाला होगा. जब से 12th से पढ़ना स्टार्ट किया और जो क्लियर किया, शायद आपने बताया कि पूरे आपने एक दिन की छुट्टी ली थी शायद, मुझको भी वो अपने बर्थडे वाले दिन शायद. हाँ सर, अगर आप बहुत सिंप्लीफाई करके अगर हम बोले इसको, वो इसलिए था सर क्योंकि
पढ़ना अगर आप बोलते हो एक दिन की छुट्टी थी तो लगता है कि आप बहुत ज्यादा ही पढ़ते रहे, बट ऐसा नहीं था। मैंने अगर किसी दिन, अगर मैं वो बोलूंगा कि मैं हर दिन पढ़ा, बट कितना पढ़ा वो वेरी करा, ठीक है। तो सर जैसे कि अब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा एम था कि 6 to 8 hours देने जब ज्यादा पैनिक प्रेशर नहीं था, एक एवरेज उस टाइम उस प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पेपर्स मेरे हो गए, कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो फ्री टाइम था, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। फिर उसके बाद जब कॉलेज भी स्टार्ट हो गया मेरा, अब उसके साथ मैनेज करने में थोड़ा, अब कॉलेज के से टाइम निकाला, इसमें से टाइम डाला, तो वो अपने टाइम मैनेजमेंट करके टाइम थोड़ा बढ़ाना शुरू करा जैसे जैसे टाइम पास आता गया। तो कितना रिजल्ट रहा जो सेकंड अटेम्प्ट में, फिर जो आया आपका स्कोर? स्कोर तो सर पता नहीं चलते, वो रिलीज, अगर आपका सिलेक्ट होते हो, अगर आप पास होते हो आपको स्कोर नहीं बताते, बट द कट ऑफ वाज समथिंग लाइक 306-308 आई गेस, इतनी कोई कट ऑफ हाई गई थी। आपकी इतनी अच्छी रही उसके सेकंड अटेम्प्ट में, तो कैसा था जिस दिन रिजल्ट आया, कैसा था एक्सपीरियंस आज? मैं कॉलेज में था जब रिजल्ट, एकदम से मैं क्लास में बैठा हुआ था जब रिजल्ट रिलीज हुआ, तो मैं तो बहुत सुबह आया था, आई एम इंदौर की आंसर शीट आपके, अच्छा। पहली बार इन्होंने रिलीज करी थी, अच्छा। कि आप अपना स्कोर्स का इवेल्यूएट कर लो, आई एम रोहतक का, तो रात शाम को आना था 4 बजे शायद आना था, तो मैंने कॉलेज के अंदर ही अपना स्कोर आई एम इंदौर का देखा, तो मेरे उसमें 197 बने, तो अब 197 बने, अब कट ऑफ नहीं आई थी तो हमको पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, बट आई वॉज हैप्पी कि लास्ट ईयर तो मेरे 90s में थे आउट ऑफ जितना भी था पेपर, अब इस टाइम पे मैंने इम्प्रूवमेंट देखी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाह यार मैं उससे इम्प्रूव करा, अब वो वर्थ इट रहेगा नहीं रहेगा वो बात की बात है, वो बाद में उसको जज करेंगे। अब ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत पैनिक था, इतना कामली तो उस टाइम पे सोचा नहीं, तो शाम को आया तो हम मेट्रो में, मैं वापस घर जा रहा था तब रिजल्ट रिलीज हुआ, मैं खोलूं साइड क्रैश खुले ही ना, मैं घर जाके देखो तो हार्ट बीट तेजी हो रही क्योंकि आ गया रिजल्ट, अब चेक करो, तो ये आई थी कट ऑफ, अभी तो आपका इंटरव्यू में होगी कि नहीं होगी, अच्छा, इसका अच्छा, रिजल्ट था, तो इसका इंटरव्यू भी था, तो मैंने शाम तक, तो मेरा रिजल्ट जाके खुला 8:30 तक, एंड वो उसमें आ गया शॉर्ट लिस्टेड, तो मुझे ना उसी टाइम पे फील हो गया कि चलो कि जो मेजर पर्पज था मेरा लेने का कि मुझे वो जो 2 marks था मेरे को वो मैंने पार कर लिया, एक पीढ़ी पार कर ली, अगर यहाँ से अब जो भी होगा वो मैं इम्प्रूव ही करूँगा, अगर इंटरव्यू में भी आउट होता हूँ कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं यहाँ तक भी पहुँचा एंड आउट ऑफ नोवेयर पहुँचा, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी थी अपने बारे में। आपको टेस्ट और इंटरव्यू के बीच में आई गेस 1 week सर, 1 week का, तो फिर नहीं सॉरी 2 weeks, 1 week के बाद तो रिजल्ट आया था, तो उसके बाद 1 week के बाद आपका इंटरव्यू था, तैयारी करी, वो भी इंटरव्यू अच्छा रहा, इंटरव्यू की भी तैयारी करी, अब उसका भी अलग जर्नी थी तो वो भी प्रिपेयर करी सर, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स को मैटर, क्योंकि रिजल्ट तो आप सिर्फ देखोगे कि आपका जो रोल है ना, वो जो आपको अपना माइंडसेट का रोल है वो आपका एग्जाम डे पे बहुत मायने रखेगा, इट आपका जो वो 3 hours या 2 hours का जो आपका पेपर होगा उसके अंदर आपका जो माइंडसेट उस टाइम पर रहेगा ना वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ तक जाओगे, क्योंकि उससे पहले की प्रिपरेशन जो है ना उसी से आपका वो 2 घंटे का माइंडसेट प्रिपेयर होता है। मैं जितना मुझे पता है, अगर आप अपने आप को जितना काम एंड कंपोज रख सकते हो दैट वुड वर्क वंडर्स फॉर यू, एंड दिस इज आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ एनी थिंग ओनली बिकॉज एज एन एल्डर ब्रदर आई एम गाइडिंग यू कि आप जितना स्ट्रेस, आप जिस चीज़ को जितना बड़ा बनाकर चलोगे ना आप पे वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर डालेगा और आपकी परफॉर्मेंस को उतना ज़्यादा अफेक्ट करेगा, सो टेक इट ईजी, इट्स ओके, अगर नहीं होता है, अगर आपको लगता है इतनी मेहनत के बाद भी नहीं होता कोई बात नहीं, इट्स फॉर योर गुड ओनली, एटलीस्ट इन्जॉय दी जर्नी, तो मेरा पर्पस ये था कि वो जो जर्नी थी उसको आप इंजॉय करो, कि आप उसके अंदर आप देख रहे हो कि मैं एवरी डे ग्रो कर रहा हूँ, मेरा माइंडसेट ग्रो कर रहा है, एंड जब आप पेपर देने में बैठा था ना आई वाज लाइक कि मेरा माइंडसेट यही होना चाहिए कि जो जो मुझे आते होंगे क्वेश्चंस उनको मैं सही करके आऊँगा, जो नहीं आते होंगे उनको मैं ट्राई करूंगा, नहीं हुआ तो इट्स ओके, आप नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अच्छा, तो उसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी जो यूज़ करी थी वो बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी भी है बट आई वुड लाइक टू मैंशन इट हियर, वॉज कॉल्ड ABC स्ट्रैटेजी, यू मस्ट, अगर आपने सुनी है तो इट्स आई श्योर कि आप इसको अप्लाई भी कर रहे होगे एंड इट्स वेरी इफेक्टिव एंड प्रैक्टिस करके आपको हेल्प करता है। ABC इज अभी करो, बाद में करो, छोड़ दो। तो सिंस इट्स एन MCQ पेपर, आपके 120 questions होते हैं, तो आप स्टार्ट करते हो उसको पेपर को अपने आप देखते हो, पहला क्वेश्चन
अरे ये मुझे आता है नहीं आता है, सेकंड क्वेश्चन नहीं आता, थर्ड क्वेश्चन नहीं आता, करते करते आपको लगता है कि अरे मुझे तो क्वेश्चंस ही नहीं आते, तो हाँ मैं हाँ अब कितना कॉन्फिडेंस गिर जाता है। बट इस टाइम पे आपको अपना को काम रखना है कि ठीक है यार 120 में से 5 स्टार्टिंग के साथ में नहीं आते, आगे के देखो। तो मैं स्ट्रैटेजी में क्या करता था कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, आपने पहले तो दो डिसाइड चीज़ें डिसाइड करी कि मुझे आता है या नहीं आता है। चलो अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर आपको आता है नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ये विद इन 90 सेकेंड्स हो सकता है, विद इन 1 मिनट 90 सेकेंड्स हो सकता है या नहीं हो सकता, या थोड़ा लंबा टाइम लेगा। तो अगर वो विद इन फर्स्ट 90 सेकेंड्स या आई से 2 मिनट्स हो सकता है, तो आप उसको ए कैटेगरी में डाल के अभी सॉल्व कर दो। वेरी फाइन, तो आपका वो एक करेक्ट क्वेश्चन हो गया। चलो नहीं, अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा लंबा जाएगा, वो टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, तो फिर आप इसको आप देखोगे कि चलो ठीक है मैं बी कैटेगरी में डालूंगा, इसको मैं फ्लैग कर दूंगा, मार्क कर दूंगा। ये क्वेश्चन मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखता हूँ, ये मैं बाद में आके देख लूंगा, तो ये बी कैटेगरी होगी, बाद में करो। अगर आपको आता ही नहीं है, चलो अच्छा। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, इसको सी कैटेगरी में डाल दो, ये रेड ही रहने दो, ऐसे नहीं आता आपको। अच्छा कि नहीं करो एग्जैक्टली, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। ये आप हर क्वेश्चन पे करते जाओगे ना, तो आप एक तो आपका राउंड ऑफ क्वेश्चंस तो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, वरना आपको ये पैनिक नहीं होगा कि मेरा क्वेश्चंस छूट जाएंगे पढ़ने, क्या पता लास्ट के 5 इजी हों, क्या पता लास्ट के 5 आपके टॉप आपके फेवरेट कॉन्सेप्ट में से हो जो आपके विद इन 20 सेकेंड सॉल्व हो रहे हो। तो आप ऐसे करते जाओगे ना, आप एक फर्स्ट राउंड ऑफ आपका पूरे सारे क्वेश्चंस आप इजीली देख लोगे। फिर आप सेकंड राउंड पे क्या करते हो, आप से उन क्वेश्चंस पे जाते हो जिनमें आपने बी मार्क करा हुआ था, जिनमें आपने फ्लैग करा हुआ था, क्योंकि जो आपने ऑब्वियसली उसमें तब तक क्या होता है सर कि आप जब फर्स्ट राउंड कर लेते हो, आपके लेजेंड में कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन आना शुरू हो जाता है। हाँ हाँ। तो आपको उसी से लगता है कि अरे ये कर लिए। अब आप बी पे जाते हो जो आपने ऑरेंज मार्क कर रहे हैं या ब्लू मार्क कर रहे हो, जो भी हाँ, आपका कलर हाँ, है, हाँ, तो आप उस पर जाके उसको ट्राई करते हो एंड वो भी आपका फिर हाँ, उस कॉन्फिडेंस से ग्रीन वो सॉल्व ऐसे हाँ हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो वो जो आपका वो ग्रीन के कॉन्फिडेंस से भी ना आपको वो बूस्ट कर देता है कि वो बी कैटेगरी वाले भी थोड़े बहुत सॉल्व होने लग जाते हैं। बहुत बढ़िया, और ये 12th के बच्चों को हेल्प करेगा, सीयूटी में भी ऐसा ही बिल्कुल एग्जाम होता है जिस तरह से इनका हुआ, आईएम का हुआ। एंड आंसर जब फिर लास्ट राउंड जब आता है, जब आपके वो बी कैटेगरी वाले अब सारे तो नहीं हो सकते, नहीं बट हो आप सकते। उसमें डिसाइड कर लेते हो ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो आप उसको भी सी में डाल देते हो। अगर तो आप ऐसे करके थर्ड राउंड पे जाते हो, हम छोड़ सकते हैं फिर, आप छोड़ सकते, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप वापस जाकर देख लो। एंड सर मेरे केस में ये हुआ था, मेरे टाइम पे टाइम अच्छा खासा बचा, 10-15 मिनट्स मेरे बच रहे थे, तो फिर आपने सी में भी, तो मैंने सी कर रहे तो मेरे सी वाले भी हो गए, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस इंस्टिल हो गया था कि मैंने पिछले वाले कुछ काफी कर लिए, तो मेरे से सी वाले भी काफी हो गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपकी स्टार्टिंग डिसाइड करती है कि आपका एंड कैसा होगा। तो स्टार्टिंग अगर कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, वो क्वेश्चन जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं, जो आपके कंफर्ट जोन में, उनको पहले अटेम्प्ट करो, और बी में बाद वाले, और लास्ट में सी को छोड़ देने। और जब युवराज ने कहा कि एंड तक पहुंचते हो, तो जो सोच रहे थे इनिशियली कि शायद मुझे छोड़ने पड़ेंगे, वो भी आपको याद आ जाते हैं या कॉन्सेप्ट आप अच्छा कर लेते हैं। एंड इसमें आपको मैं बस ये बोलूंगा कि अपने ऊपर आपको पूरा फेथ रहना चाहिए, आपको रहेगा ही रहेगा उस टाइम पे अपने ऊपर, अगर आप सेल्फ डाउट्स में नहीं पड़ना। दैट आई नो इट्स वेरी इजी टू से, क्योंकि मैं कोई भी मैं वीडियोस देखता होता था, मुझे कभी भी बिलीव नहीं होता था कि यार ये क्यों मानूं मैं इन चीज़ों को, मुझ पर क्या बीत रही है मुझे पता है, आई वॉज लाइक दैट। बट अब मैं उस अदर साइड ऑफ द टेबल आ गया हूँ, तो आई नो कि ये चीज़ आपको मैं कैसे समझाना चाहता हूँ कि अपने ऊपर पूरा फेथ रहना चाहिए आपके। जब आप सॉल्व कर रहे हो, आपको नहीं अगर आ रहे क्वेश्चंस, डोंट पैनिक, बेटर क्वेश्चंस अभी आपका वेट कर रहे हैं, वो आपसे और अच्छे से होंगे। यू कैन एनी टाइम कम बैक टू दीज क्वेश्चंस। आई गेस बोर्ड्स के अंदर भी हमने ये सब चीज़ें ना पहले अप्लाई करी हुई है, वी ऑलवेज ट्राई स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर विद द ईजिएस्ट क्वेश्चंस, तो ये सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई करनी है। बट सिंस द टाइम लिमिट इज सच कि आपको इसमें अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, फॉर दैट यू कैन ऑलवेज ट्राई मॉक्स। मॉक्स के अंदर आप ये स्ट्रैटेजीज जितनी अप्लाई करोगे, अच्छा ये जरूर, ये तो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज थी ABC, कुछ लोगों के लिए वर्क करती है, मोस्टली सबके लिए करती है, बट कुछ को नहीं कंफर्टेबल होता, कुछ को होता है कि मैं इतनी बार पेपर नहीं रीड कर पाता, मैं सीक्वेंस में करता हूँ। यू ट्राई योर सीक्वेंस, यू ट्राई बैकवर्ड सीक्वेंस, आप रैंडमली चूज करके ट्राई करो, आप जैसे मर्जी सीक्वेंस, हर एक्सपेरिमेंट हर मॉक के साथ एक्सपेरिमेंट करो, सीक्वेंस वट एवर वर्क फॉर यू उसको स्ट्रॉन्ग करते जाओ, एंड उसके बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे आप अपने मॉक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपने कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है। तो वेन एवर आपके ऊपर प्रेशर उस चीज़ का आता है पेपर का, तो आप जितना कामली कर पाओगे कि ओके लेट्स सी अब इसमें क्या है उसमें क्या है, आप करके वो कर पाते हैं। वेरी नाइस। तो कब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए इसके बच्चे को, जैसे 11th में आता है बच्चा,
और साइंस साइड के बच्चे तो 9-10 से ही तैयारी शुरू करते हैं जेई की, तो अपने कॉमर्स के स्टूडेंट को कब से सीरियस हो जाना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द आईएम आल्सो फॉर द अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बाकी कोई कोई सीए करना चाहता है, कोई बीएमएस क्रैक करना चाहता है, कोई भी इस तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो कितना सीरियस होना चाहिए या कितना सीरियस नहीं होना चाहिए, या लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं कहूँगा कि पहले दिन से लग जाइए और आप 8 से 10 घंटे पढ़िए, तो कैसे बैलेंस मेंटेन करें एक लाइफ के साथ और पढ़ाई को। सर बिकॉज आई वुड नेवर सजेस्ट एनीवन कि आप लोग अपने मेंटल पीस को ऊपर करके ये चीज़ के लिए प्रिपेयर करो, बिकॉज दैट विल नॉट बी वर्थ इट, कि अगर आप अपना मेंटल पीस ही लूज कर रहे हो ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन तो वो फिर वर्थ नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आइडियली आप बिफोर स्टडिंग फॉर द एग्जाम यू शुड स्टडी द एग्जाम। तो आप जैसे आप बोर्ड्स के लिए पढ़ने के लिए आप पहले देखते हो कि बोर्ड्स क्या एग्जाम्स है, उसमें होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आते हैं, उसकी प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है। इसके लिए सर कभी कोई आइडियल टाइम कोई सजेस्ट ही नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि मेरे बैच में ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 2 ईयर प्रिपरेशन, जैसे मैं हो गया, मैंने 1.5 ईयर प्रिपरेशन करी, कुछ हैं जो क्रैश कोर्स में ही आ गए करके, कुछ हैं जो लाइक जनवरी में ज्वाइन करा उन्होंने, मई में पेपर दे के, जून में पेपर दे के आ गए, कुछ हैं। बच्चों पे डिपेंड करता है कि किस, इट शुड बी डिपेंड, हाँ इट्स ओनली बिकॉज मैं, ये पूरी बात ही आपके माइंडसेट पर आती है, माइंडसेट पे आती है। तो आपका उस टाइम पे पेपर के टाइम पे आपकी प्रिपरेशन का जितना होगा ना, आप उसको किस माइंडसेट से पेपर सॉल्व कर रहे हो, दैट विल डिसाइड कि आप कितना अच्छा कर पाओगे। तो इट्स द सूनर इज द अर्लीस्ट, बिकॉज वो बहुत सेफर ऑप्शन होता है, एंड आप पे ना ज़्यादा प्रेशर ऐड नहीं होता, बिकॉज यू हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल पेपर के अलावा। लाइक आई नो कि मैंने फर्स्ट ईयर कॉलेज लाइफ मैंने बहुत इन्जॉय करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने प्रिपरेशन में घर तक रखता था, जब मैं कॉलेज जाता था आई वुड स्टे कीप इट इन माइंड कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, जो भी पैनिक एंड प्रेशर पेपर का है वो घर पे रख के जाऊँगा, वहाँ पे कैरी नहीं करना, दैट आई एम गोइंग टू लाइक 2-3 आवर्स मैं रिजुविनेट करके आऊँगा, इन्जॉय करके आऊँगा फ्रेंड्स के साथ। उनको भी ज़्यादा मैंने उस टाइम पे बताया नहीं हुआ था पेपर्स के बारे में, बट मैं उनके साथ अपना इन्जॉय करके आता था, वापस आके चलो अब मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होती थी कि मैंने इन्जॉय कर लिया, अब मैं पूरा फोकस अच्छे से पढ़ाई पे डाल सकता हूँ, कॉलेज से पहले भी, कॉलेज से बाद भी, कॉलेज के स्टार्ट में। अपने जी अभी ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कट ऑफ हो गए सबसे सोशल लाइफ, नहीं नहीं वो कुछ लोगों की अप्रोच होती है, एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू देन गुड फॉर यू, बट मेरे को पर्सनली वो चीज़ करने का कभी लगा नहीं, क्योंकि उससे मुझे लगता था, फॉर आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, अगर मैं वैसे करता ना तो आई डोंट थिंक कि मैं पेपर भी क्रैक कर पाता। द फ्रेंडशिप पार्ट, द कॉलेज एंजॉयमेंट पार्ट वर्क सो मच फॉर मी, कि थोड़ा सा एक चिल एटीट्यूड घर पे, थोड़ा सा रिलैक्स्ड एटीट्यूड, वो मुझे थोड़ा वापस से डिटॉक्स करने में हेल्प करता था। तो युवराज की ये बात बहुत से बच्चों को रिलैक्स कर देगी कि आप जिंदगी को जिए, चेहरे पे स्माइल रखें, फ्रेंडशिप अगर है तो फ्रेंडशिप को भी बैलेंस मेंटेन करके रखिए, यार तो उसके साथ बाहर घूमने जाइए, ठीक है ना, लंच डिनर एंजॉय कीजिए, बट आपका जो मेन गोल है लाइफ का उसको ना भूलिए कि क्या मकसद है, और जब इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा लेजर एंजॉय करते हैं, टाइम को स्पेंड करते हैं, तो पढ़ने का मोटिवेशन अपने आप आता है। तो लोगों से कट ऑफ मत होइए, अपने आप को कमरे में बंद करना जरूरी नहीं है, बट कोई ऐसा करता है और वर्क कर रहा है तो अच्छी बात है।